पूर्वी दिल्ली में लगता है आईपीएल पर सट्टा, पुलिस के हत्थे चढ़े 5 सटोरिए, एक रमेश पार्क और 4 तिलुकपुरी के हैं निवासी। सटोरियों के पास से 28 लाख से ज्यादा की बरामदगी की गई। रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध हाथ में मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पैसे को लेकर परेशान कर रहे थे कुछ लोग। हत्या के मामले में गवाही देना बना गले की फांस, गवाह पर कई बार हो चुके हैं जानलेवा हमले, 24 घंटे की सुरक्षा को लेकर लगाई हाईकोर्ट में गुहार। सीमापुरी थाना क्षेत्र में हुई युवक के साथ लूटपाट, करीब 2.5 लाख की चेन लूटकर बदमाश हुए फरार, पीछा करने पर बदमाशों ने की फायरिंग। और मई से पहले ना हो सीबीएसई के एग्जाम्स, दिल्ली सरकार ने सीबीएसई को पत्र लिखा, बोर्ड परीक्षा 2021 को मई तक टालने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। ये लोग रमेश पार्क से सट्टेबाजी का अड्डा चलाते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 28,55,000 रुपये बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा 12 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप और बाकी सामान भी बरामद किया गया है। ये गिरोह रमेश पार्क के ही रहने वाले शाह कमाल द्वारा चलाया जा रहा था। वह काफ़ी समय से इस धंधे में था लेकिन अब तक नहीं पकड़ा गया था। इसके अलावा उसके 4 और साथी त्रिलोकपुरी के हैं। उनके नाम मोहम्मद उमर, मोहम्मद इमरान, देवेंद्र और अकील हैं। इनमें से उमर, देवेंद्र और अकील सट्टा लगवाते थे और इमरान सारा डाटा फीड किया करता था। कंप्यूटर पर ही पूरे नंबर वगैरह डाले जाते थे और फ़ोन पर सट्टा लगाया जाता था। मोहम्मद उमर सारे क्लाइंट से पैसा इकट्ठा करता था। पुलिस को इस गिरोह के बारे में एक गुप्त सूचना मिली थी। उसके बाद इस गिरोह पर नज़र रखी गई तो पता चला कि चेन्नई सुपर किंग और सनराइज हैदराबाद के मैच पर ये लोग सट्टा लगा रहे हैं। इसके बाद उनके अड्डे का पता चला तो रेड मारी गई। ये 5 व्यक्ति रमेश पार्क के अड्डे से ही पकड़े गए हैं। पूछताछ में शाह कमाल ने बताया कि वह काफ़ी समय से इस धंधे में लगा हुआ था लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक उसे नहीं पकड़ा जा सका। ये गिरोह आईपीएल के दौरान काफ़ी एक्टिव हो जाता था। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह के सदस्यों की उम्र 19 से 32 साल के बीच है। इन सारे स्कूल से ड्रॉप आउट हैं और बाद में इस धंधे में शामिल हो गए। अकील को पैसे की जरूरत थी और वह हाल ही में इन लोगों के साथ जुड़ा था। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है ताकि आईपीएल में सट्टे के और अड्डों पर छापे मारे जा सकें। पूर्व दिल्ली के आनंद विहार के पास रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान 52 साल के राजकुमार के रूप में हुई है। मृतक कृष्णनगर के शिवपुरी का रहने वाला था। परिजनों का कहना है कि मृतक एक बिल्डर था और काफी दिनों से परेशान चल रहा था। साथ ही कहा कि मृतक को किसी से पैसे लेने थे, जिससे पैसे लेने थे उन्होंने मृतक को रात में बुलाया था, जिसके बाद मृतक ने अपने बेटे को फोन करके बताया कि उसकी हत्या होने वाली है। परिजनों का कहना है कि मृतक की हत्या की गई है, जिसको लेकर उन्होंने जगतपुरी थाने में मामला भी दर्ज करवा दिया है। रात को 9:45 बजे कोई आया था घर पे, तो उसने पापा को कहा कि आ जाओ जरा मीटिंग है, तो खाना खा रहे थे तो 9:45 बजे घर से गए। पास ही जाना था तो स्कूटी लेके नहीं गए थे, तो उन बंदों का नाम था इमाम और विनीत यादव, जिनके पास गए थे। तो वहाँ से फिर 12:45 बजे के करीब व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल आई, व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि ऐसे ऐसे मुझे 8-10 बंदों ने घेर लिया है, मुझे मार रहे हैं, अपना ध्यान रखना, अब पता नहीं क्या हो सकता है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। वैसे मारेंगे नहीं लेकिन जान से मार भी सकते हैं, क्योंकि और बंदों को उन्होंने बुलाया और वो मोमडन थे। इमाम जो नाम है वो मोमडन है। ये सब बातें हुई थी। फिर उनका 12:12 पर एक बार और कॉल आया था, वो सिस्टर के नंबर पर आया था कि अपना ध्यान रखना, बस ये सब बोला उन्होंने। फिर उसके बाद हम थाने गए, जब हमें पता चला कि हमने थाने में मिसिंग हो गए थे, तो थाने गए, हमने कंप्लेंट लिखवाई। 1 से 4:30 बजे तक हम जगतपुरी थाने में ही थे। तो वहाँ से 4:30-5 बजे करीब हम जब घर पहुँचे, आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ से बॉडी मिली। किसी ने फ़ोन किया, मतलब पर्स में कार्ड था, तो उन्होंने फ़ोन किया आनंद विहार रेलवे स्टेशन वालों ने कि ऐसे ऐसे आपके जान पहचान के हैं, तो ये रेलवे पे इनकी वो पड़ी है डेड बॉडी, पार्ट्स अलग अलग थे, सब कुछ अलग अलग है। सर झगड़ा वगड़ा का तो हमें पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो कल वॉइस मैसेज में भेजा कि मेरे को कई दिन से टॉर्चर कर रहे हैं,
कर दिन चर्चा कर रहे हैं। तो बेटा मेरे को इन्होंने आज बुलाया है, 7-8 बंदों ने घेर रखा है, हो सकता है मेरे को जान से भी मार दें, धमकियाँ दे रहे हैं, तो आप अपना दें। मेरे से साइन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका वो जो सोसाइट जो मतलब उनका जो नोट लिखा हुआ था घर में, वो नोट घर में मिला, वो पुलिस को दे दिया गया हुआ बिल्कुल जी। और भी रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया है, उसके बाद उनके रेल उन पर निकली और टुकड़े टुकड़े हो गए। हत्या के मामले में गवाही देने कितना भारी पड़ सकता है, इस बात का अंदाजा सिर्फ वो लगा सकता है जिसके सर पर हर वक्त मौत का साया मंडरा रहा हो और मन में डर बैठा हो कि ना जाने कब और कहां से कोई गोली उसकी जान ले जाए। ऐसा एक मामला पूर्व दिल्ली के करकडूमा कोर्ट में कार्यरत धर्मेंद्र शर्मा के साथ है। सन 2002 में एक पुलिसकर्मी के रिश्तेदारों की हत्या के मामले में धर्मेंद्र नाम के शख्स ने 4 बदमाशों के खिलाफ गवाही दी थी, जिसकी सजा वो आज तक सजा भुगत रहा है। करकडूमा अदालत ने मामले में टेक्निकल कमी का लाभ देते हुए अपराधियों आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके बाद से लगातार अब तक गवाह धर्मेंद्र और उसके परिवार पर 5 जानलेवा हमले हो चुके हैं। कोर्ट ने विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गवाह को सुरक्षा तो मुहैया कराई, पर पुलिस ने सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की, जिसके बाद गवाह ने हाईकोर्ट का रुख किया और मांग की कि ना सिर्फ उनको बल्कि देशभर के गवाहों को 24/7 सुरक्षा दी जाए और ताउम्र दी जाए, ताकि लोग बेधड़क होकर अन्याय के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सकें। गवाही हुई, गवाही होने के बाद प्रोसिक्यूशन के हक में गवाही देने के बाद केस टेक्निकल आधार पर एक्विट हो गए मुलजिम, जिसकी अपील अभी पेंडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट में। कोई भी विटनेस अगर गवाही देता है तो वो तो जाहिर निगाह में आ जाता है, थ्रेट साथ नहीं है, तमाम जेल तक से मुझे थ्रेट आई है, उसके बारे में पुलिस अथॉरिटी को लिखा जा चुका है। 5 इंसिडेंट ये तमाम मेरी फैमिली के साथ हुए जानलेवा अटैक, तो मेरी लड़ाई ये अपनी तो है ही है, पूरे देश के लिए है, पूरे देश के गवाहों के लिए मेरी ये लड़ाई है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट में जवाबदेही तय हो, तभी हम हत्याओं को रोक पाएंगे, तभी हम क्राइम को रोक पाएंगे, तभी हम गवाहों को बचा पाएंगे। पूर्व दिल्ली के सीमापुरी थाना क्षेत्र में एक युवक से दिन दहाड़े छीना झपटी की वारदात सामने आई है। घटना उस वक्त की है जब पीड़ित दिलशाद गार्डन स्थित तरुण हॉस्पिटल के पास नारियल पानी पी रहा था। दो बाइक सवार बदमाशों ने युवक के गले से करीब 2.5 लाख की चेन लूट कर फरार हो गए। पीड़ित अभी ठाकुर ने जब बदमाशों का पीछा करना चाहा तो बदमाशों ने पीड़ित पर फायरिंग कर दी। चेन छीनने के दौरान युवक के गले में भी गंभीर चोटें आई थी। अरे करुणा हॉस्पिटल के सामने है नारियल पानी वाला, तो मैं वहाँ मंदिर से आ रहा था तो मैं वहाँ रुका, मेरा वहाँ कुछ रह गया था सामान, मेरी वाइफ का सामान रह गया था, उसका फ़ोन आया कि वहाँ से कुछ सामान है वहाँ से ले लो आप, कपड़े वगैरह रह गए थे, तो मैं वहाँ लेने गया हूँ, तो इतने मेरा छोटे वाला साला वहाँ रिसीव करने के ला रहा था वो सामान, मैंने वहाँ उसका वेट कर रहा था, तो मैंने उससे नारियल पानी वाले से नारियल पानी लिया, देन उसके बाद मैंने वो पिया तो मेरा साला आया इतने में, तो मैंने उसको दिए कपड़े जो थे, उसको जैसे ही मैंने दिया मेरी वाइफ का फ़ोन आया पीछे से कि आपने कपड़े दे दिए, मैंने कहाँ दे दिए, जैसे ही मेरी उससे बात बंद हुई पीछे से दो लड़के आए, उन्हें चैन पे झपटा मारा मेरा एकदम और एकदम निकल गए, तो मैंने उनका 4 या 5 मिनट तक पीछे लगातार उनका पीछा करा, फिर वाल्मीकि रोड वाले मंदिर पे, फिर उन्होंने मेरे पे उनको लगा कि भाई मैं उनको कैच कर लूँगा, फिर उन्होंने 2 फायरिंग करी मेरे ऊपर, ये उन्होंने जब खींची ना थ्रो करी जब मोटी चैन थी तो एकदम खींच के ले गए। कोरोना काल में स्कूली पढ़ाई को बहुत अधिक नुकसान हुआ है, ऐसे में दिल्ली सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को एक पत्र लिखा है जिसमें मार्च 2021 की बोर्ड परीक्षाओं को मई तक के लिए स्थगित करने की मांग की गई है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने अपने पत्र में लिखा कि स्कूलों में बच्चों को सही ढंग से पढ़ाने और परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए बोर्ड को समय देना चाहिए, इसलिए अनुरोध किया जाता है कि मार्च से पहले शैक्षणिक सत्र को मार्च से आगे बढ़ाया जाए और CBSE बोर्ड परीक्षा मई 2021 से पहले आयोजित ना की जाए। नतीजन अगला शैक्षणिक सत्र हो सकता है कि जुलाई 2021 से शुरू हो। इसके साथ ही राज्य सरकार ने केंद्रीय बोर्ड से CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2020 के सिलेबस को और कम करने पर विचार करने के लिए कहा, तो वहीं जब इस मुद्दे पर हमने बच्चों के टीचर्स और पेरेंट्स से बात की तो उनका भी यही कहना है कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, ठंड में कोरोना फैलने की दर और अधिक बढ़ सकती है, ऐसे में छात्रों को भी और अधिक समय मिलना चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस को पूरा करने के लिए। पेरेंट्स का कहना है कि उनके लिए भी बच्चों की जिंदगी पहले है, परीक्षाएं बाद में हैं। डिसीजन ले रही है गवर्नमेंट कि स्कूल खोले जाएं, क्योंकि फिजिकल टीचिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है कि अगर हम जो ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं गूगल मीट पे जो हम टीचिंग दे रहे हैं, अब कितना बच्चा उसमें से ग्रेस्प कर पा रहा है ये उसको नहीं पता,
क्योंकि आगे ना तो टीचर जान पा रही है ना बच्चा जान पा रहा है। थोड़ा सा अगर डिले हो भी जाए तो कोई बुराई नहीं है इसमें। ये बच्चों के हित में ही आ रहा है, जैसे कि WHO का आज रिपोर्ट आई हुई है कि विंटर्स में कोविड और बढ़ेगा देखा जाए तो इस उसमें हम बोर्ड या कोई भी एग्ज़ाम बच्चों को बुलाकर करवाना थोड़ा रिस्की होगा एज़ पर द सोशल डिस्टेंसिंग विच वी आर ट्राई टू फॉर्म इन द स्कूल। स्कूल में सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं पर पेरेंट्स के कंसर्न्स के विदाउट हम बच्चों को नहीं बुला सकते और पेरेंट्स कंसर्न भी नहीं है, ऑफकोर्स वो भी बच्चों के हेल्थ को लेकर कंसर्न है। अगर हम करंट सिचुएशन देखते हैं कोविड के नंबर ऑफ केसेज दैट आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, तो उसको अगर हम मद्देनज़र रखते हैं तो आई गेस पोस्टपोन होने चाहिए क्योंकि बच्चों के फ्यूचर पे इफ़ेक्ट होगा कि एकेडमिक सेशन जो नेक्स्ट होगा वो और आगे बढ़ जाएगा, बट बच्चों की लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनकी सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। येस वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस एट आवर कॉस्ट जितना भी हम ले सकते हैं, वी टीचर्स आर टेकिंग एंड पेरेंट्स ऑल्सो आर कंसिडरिंग कि बच्चा हमारा सेफ रहे। मैम हम भी इस चीज़ को चाहते हैं कि जैसे बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं बहुत से बच्चे जैसे मेरा बेटा भी, लेकिन एग्ज़ाम इसलिए पोस्टपोन होने चाहिए कि थोड़ा सा बच्चों को प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाए। जैसे मार्च में बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो एज़ कम्पेयर टू मार्च हम ये चाहते हैं कि वो अप्रैल और मई तक एक्सटेंड हो जाए और जून तक रिजल्ट आ जाए ताकि जो 11th का भी सेशन स्टार्ट हो उस पर भी कोई ज़्यादा इफेक्ट ना आ सके कि जुलाई में हमारा बच्चों का 11th का सेशन स्टार्ट हो जाए, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाएगा बच्चों को कि वो अपना सिलेबस प्रिपेयर अच्छे से कर पाएंगे। हाँ ये इसमें होना चाहिए ये, क्योंकि बच्चों को टाइम थोड़ा सा मिलेगा तो ये रिविज़न का टाइम इनका बढ़ जाएगा। बच्चों में वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं है, बच्चों को टाइम मिलेगा थोड़ा एक्सटेंड होगा तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। येस आई एम टोटली एग्री विद दिस, द एग्जाम शुड बी पोस्टपोन्ड बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन स्टूडेंट्स आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू गिव द एग्जाम्स राइट नाउ और इन द मार्च। इफ वन और वन एंड हाफ मंथ विल बी गिवन टू देम डेफिनेटली दे विल परफॉर्म बेटर। आई थिंक आई एम विद द ओपिनियन दैट एग्जाम शुड बी डिलेड। पूर्वी दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। प्रशासन की ओर से पूरे पार्क में सफाई के साथ पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज भी किया गया है। अक्षरधाम मंदिर कोरोना के चलते पिछले 6.5 महीने से बंद हुआ पड़ा था, लेकिन अब शर्तों के साथ इसे दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। फिलहाल मंदिर खोलने का समय 5:00 बजे से 6:30 बजे तक का ही रहेगा, तो वहीं दिन के समय और विशेष तौर पर सोमवार के दिन मंदिर पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके साथ ही पर्यटकों को मास्क लगाना और एक निश्चित दूरी बनाकर चलना अनिवार्य होगा। तो लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे अनलॉक के फेजेस आ रहे हैं वैसे वैसे सभी चीज़ें खुलने लगी हैं और उसी कड़ी में अक्षरधाम मंदिर की अगर बात करें तो ये भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। 13 अक्टूबर से ये खुल चुका है और टाइमिंग जो है वो इसकी प्रवेश की है मंगलवार से रविवार, और जो अक्षरधाम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं वो सोमवार का दिन है जब ये बंद रहा करेगा। लेकिन अगर टाइमिंग की बात करें तो 5:00 बजे से 6:30 बजे तक ही लास्ट एंट्री हो सकती है, उसके बाद किसी भी व्यक्ति की कोई एंट्री यहां पर नहीं की जाएगी। शाम का समय निर्धारित किया गया है, सुबह के समय किसी को भी यहां आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं दिल्ली पुलिस किस तरह से तैनात है, उन लोगों के सेफ्टी के लिए यहाँ पर इन्हें तैनात किया गया है। जो तमाम लोग यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर में आना चाहते हैं और यहाँ पर आकर दर्शन करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिलहाल अगर ज़रूरत की चीज़ की बात की जाए वो ये है कि विदाउट मास्क किसी भी बंदे की यहाँ पर एंट्री नहीं ली जाएगी, और सैनिटाइज़र की अगर बात करें तो वो भी हर व्यक्ति के पास होना बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। नवरात्रों और आने वाले अन्य त्योहारों को लेकर बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और कई लोग अभी भी मास्क के बिना ही बाजारों में दिख रहे हैं। शादरा बाजार की बात करें तो यहाँ भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और कई लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, बिना मास्क के ही खरीदारी करने आ रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। दुकानदार ही लोगों को समझा रहे हैं कि जो मास्क लगाए बिना घूम रहे हैं उनको मास्क दे रहे हैं और मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं। देखो जी, हमने अपनी एसोसिएशन लेवल पर सभी को सूचित किया हुआ है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और
मास्क लगा के रखें और जो कस्टमर आए उनको पहले सैनिटाइजर से हाथ धुल के धुलवाए जाएं, उसके बाद मास्क नहीं लगा हुआ तो हमारे दुकानदार उनको मास्क भी मुहैया कराते हैं। काफ़ी आ रहे हैं जी, कल यहाँ मंगल बाजार लगा हुआ था और बहुत ही सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ रही थी, कोई भी 1% सोशल डिस्टेंस यहाँ पर नहीं था। उसमें 50% लोगों ने मास्क लगा रखे थे, 50 ने नहीं लगा रखे, और सोशल डिस्टेंस की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। नहीं, फिलहाल पीछे कट रहे थे, अभी तो अभी सब कल तो नहीं थे यहाँ पर कोई चलान वाले, पर दिल्ली पुलिस वाले काटते रहते हैं चलान समय समय पर, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आ तो रहे हैं, बहुत कम है, मतलब फिर भी काफ़ी, मतलब 100% नहीं है, 60% 70% है। हाँ, भीड़ तो त्योहारी त्यौहार की ऊपर की भीड़ है बाजार में, जो है त्यौहार का वो तो है। अपनी दुकान पर मास्क रख रखे हैं कि भाई अगर कोई नहीं लगा कर आता कस्टमर तो उसको देते हैं। कल मंगल बाजार लगा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, आधे से ज़्यादा ने मास्क नहीं लगा रखे थे, कोई कहने सुनने वाला नहीं था। नहीं, बिना मास्क वाले ग्राहकों की एंट्री नहीं देते, मास्क लगाओ वरना हम मास्क देंगे वो लगाओ, हाथ सैनिटाइज कर लो वरना एंट्री नहीं है दुकान। कल भीड़ भाड़ बहुत थी तो यहाँ कई लोगों को कहा था कि मास्क लगा के जाओ, कई लोगों को बहुत समझाया था। पूर्वी दिल्ली की नगर निगम ने वाटर स्प्रिंकल टैंकर से प्रदूषित इलाकों में प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया, जिसमें पूर्व दिल्ली के कई इलाकों जैसे कि मोंडोली, झिलमिल और आनंद विहार शामिल हैं। तो वही निगम के उप महापौर का कहना है कि पानी में केमिकल मिलाकर इलाके में छिड़काव किया जाता है, जिसका असर करीब 8 घंटे तक रहता है। दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसको देखते हुए हमारे जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने हमें पिछले साल जो है ना, हमें 46 मशीन जो वाटर स्प्रिंकलर मशीन है वो हमें दी प्रोवाइड कराई थी, वो पिछले साल से पिछले 2 साल से MCD निरंतर प्रदूषण कम हो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज के जो स्टार्टिंग थी, चूँकि कुछ हॉटस्पॉट प्रदूषण को लेकर दिल्ली के अंदर हैं, जैसे आनंद विहार पे है हमारा, जो कई इंडस्ट्रियल एरिया हैं उसमें एक हमारा मंडोली चुंगी भी, मंडोली इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो इसमें जो हमारे को नगर निगम कर सकता है मतलब पानी का छिड़काव, और उस पानी का भी ऐसा छिड़काव हम लगातार यहाँ कर रहे हैं, जिसमें एक दवाई मिली है वो दवाई 8 घंटे तक आपकी डस्ट को उठने देती है, तो ये आज का हमारा प्रोग्राम। पूर्व दिल्ली के जगतपुरी इलाके में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर एक युवक ने दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी की डॉक्टर और कर्मचारियों से मारपीट की। दरअसल रिपोर्ट पॉजिटिव आने के अगले दिन युवक ने सरकारी अस्पताल में जाकर जांच करवाई तो रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसे लेकर युवक ने डिस्पेंसरी के डॉक्टर्स पर गलत रिपोर्ट बनाने का आरोप लगाते हुए मारपीट की। जगतपुरी डिस्पेंसरी के इंचार्ज डॉक्टर रीना सहगल ने अपनी शिकायत में बताया कि शनिवार को उनके यहाँ जगतपुरी का रहने वाला शानू नाम का युवक कोरोना जाँच करवाने आया था। उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अगले दिन युवक कई लोगों के साथ डिस्पेंसरी पहुंचा, डॉक्टर रीना और बाकी कर्मचारियों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी गई। शिकायत के बाद जब डॉक्टर ने विरोध किया तो आरोपियों ने उनकी पिटाई कर दी। आरोपी युवक का कहना था कि उसने अगले दिन डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में भी रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया था जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। आरोपियों ने डॉक्टर पर गलत रिपोर्ट बनाने का आरोप भी लगाया। वहीं पीड़ित डॉक्टर रीना का कहना था कि आरोपियों ने उन्हें अपनी दूसरी रिपोर्ट दिखाई ही नहीं। डिस्पेंसरी में शोर शराबा सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों को बचाया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, तो वहीं मामले में अब डॉक्टर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।